हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी लाइफ और मेरा नाम है मधु कुमारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रीन टी पीने से आपको क्या-क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ग्रीन टी के बारे में। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ग्रीन टी कितना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि ग्रीन टी पीने से उन्हें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए आज उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल रोज़ करते हैं तो आप हर रोज़ 40% से भी अधिक आप कैलोरीज एक दिन में बर्न करते हैं, यानी अपने चर्बी को घटाते हैं अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल रोज़ करते हैं तो। दोस्तों, कम से कम इसे दिन में 1 से 2 बार ज़रूर इसे पिए। इससे आपका मोटापा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को भी बढ़ने से बचाता है, यानी अगर आपकी कैंसर सेल्स को भी बढ़ने से ये रोकता है। साथ ही दोस्तों, ये ब्रेस्ट कैंसर को भी बहुत ही ज़्यादा रोकने में मददगार होता है अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर हम ग्रीन टी का सेवन रोज करते हैं तो आप इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए ग्रीन टी का इस्तेमाल आप नियमित रूप से करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको सांस में बदबू, यानी बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बात करने से उनके मुंह से बदबू आती है। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं बहुत लोग के दांतों में पैरिया हो जाता है, जिसके वजह से उनके मुंह से बात करते हैं तो उनके मुंह से बदबू आता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके उस बीमारी को भी दूर करता है। साथ ही अगर आपका दांत पीला हो गया है तो इसे भी ये साफ़ करने में बहुत ही मदद करता है, यानी आपके अगर दांत पीले हो गए हैं तो उसे सफ़ेद करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। साथ ही दोस्तों, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, जिसके वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उसका परिणाम हार्ट अटैक तक पहुँच सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को भी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि जैसे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शुगर में हमें मीठी चीज़ें नहीं यूज़ करनी होती, यानी आप चाय की जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कड़वा होता है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आप इसका दिन में अगर 1 से 2 बार 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा फायदे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको शुगर है तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपका शुगर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। साथ ही दोस्तों, ग्रीन टी में हाई फ्लोराइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिससे आपके हड्डियों को मजबूत रखने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी आप ग्रीन टी का इस्तेमाल अगर रोज़ करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कभी हम पार्टी में जाते हैं या फिर कभी हम बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं, जिसके वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे हम काफ़ी टाइम के लिए बीमार भी पड़ जाते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए ना डरें। ये ग्रीन टी के इस्तेमाल से आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फूड पॉइजनिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, अगर इसके परिणाम और भी ज़्यादा आपको चाहिए, यानी बहुत ही जल्दी चाहिए, तो आपको इसे खाने से आधे घंटे पहले आप ग्रीन टी का सेवन करें, या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसका सेवन करें। इससे आपको बहुत ही जल्दी परिणाम मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलेंगे आपको। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ग्रीन टी का सेवन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, इसके वजह से वो ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, हमने इसके लिए भी आपको एक उपाय बताने वाली हूँ।
अगर आप ग्रीन टी का पानी जब उबालते हैं तो उसमें आप जब ग्रीन टी को डुबोते हैं यानी गर्म पानी में जब आप ग्रीन टी को डुबाते हैं तो उसमें 1 से 2 सेकंड के लिए ही सिर्फ छोड़ें और तुरंत निकाल लें। उससे क्या होगी कि ग्रीन टी की जो कड़वाहट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, रह जाएगा, बहुत हल्का कड़वाहट रहेगा, जिसे आप सेवन करने से आपको कड़वापन बहुत ही हल्का पता चलेगा और इससे आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो में ग्रीन टी के बारे में कि उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो जल्दी दोस्तों आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टिप्स के साथ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।